मूक बधिर महिला के साथ में घर में घुसकर दुराचार का एक मामला सामने आया है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं क्या है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम हसनापुर में एक परिवार रहता है। घर में अभिभावक के नाम पर बुजुर्ग ससुर तथा देवरानी और जेठानी रहती है, जिसमे जेठानी मूक बधिर है। वह बोल नहीं सकती है। घर पर एक बुजुर्ग है जो कार्य से बाहर गए थे। देवरानी भी किसी निमंत्रण में गई थी। घर में अकेली वह महिला थी जो मूक बधिर थी। पति भी जो खुद भी दिव्यांग है, कहीं वो बाहर नौकरी करता है। महिला को अकेली पाकर गांव के ही एक व्यक्ति ने घर में घुसकर जबरिया उक्त बेचारी महिला के साथ दुराचार किया, ऐसा मामला सामने आया है। महिला कितनी भी आवाज निकाल सकती, लेकिन क्योंकि वो मूक बधिर थी तो उसकी आवाज बहुत दूर तक नहीं गई और व्यक्ति उसके साथ दुराचार करके फरार हो गया। थोड़ी देर बाद देवरानी भी वापस आई। पीड़ित महिला ने रोते हुए इशारों से अपने साथ हुई आपबीती से अवगत कराया। देवरानी द्वारा मोबाइल पर सर्च किया गया तो उक्त दुराचारी का फोटो उस गूंगी महिला के द्वारा पहचाना गया। परिजन घायल महिला को लेकर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों द्वारा थाने में सूचना देने की सलाह दी गई। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष राकेश सिंह सक्रिय हो उठे और फोटो के आधार पर महिला की निशानदेही के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर धारा 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। एडिशनल एसपी का भी इस पर बयान आया, चलिए सुनाते हैं हम आपको क्या है। दिनांक 2 अगस्त को थाना बछरावा में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया था कि एक महिला के साथ उसी गांव के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष तत्काल गांव में पहुंचे। उन्होंने महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा और अभियोग को पंजीकृत करके जो नामित मुजरिम था उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।